दुनिया भर में लोग पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरह का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनके काम का चयन जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। आपको हैरानी होगी कि आखिर वो इस तरह का काम क्यों चुनते हैं जिसमें उनकी जान तक को खतरा है। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि कुछ खतरनाक कामों का चुनाव कर ऐसे लोग आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और यही वजह है कि वो अजीबोगरीब काम का चयन करते हैं। दोस्तों दुनिया भर में कोई ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के फसलों, फलों, फूलों व सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ लोग सांपों की खेती करते हैं तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? जाहिर सी बात है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सांपों को उपजाया तो नहीं जा सकता, लेकिन सांपों की खेती से मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग सांपों को पालते हैं। अब यहाँ भी आप ये कहेंगे कि भला सांप को कोई क्यों पालेगा? मछली पालन, मधुमक्खी पालन सहित मुर्गियों, बकरियों के पालन के बारे में तो सब जानते हैं, साथ ही इससे होने वाले मुनाफे के बारे में भी सबको पता है, लेकिन सांप जैसे जहरीले जीव को पालकर इन लोगों को कैसा मुनाफा मिलता होगा? साथ ही सांप पालने में भी तो काफी एहतियात बरतनी पड़ती होगी। तो दोस्तों दरअसल ऐसा ही है, सांप पालना भले ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन इसमें मुनाफा भी इतना अधिक है कि आप उस मुनाफे के बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के जरिए यही जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो सांप पालते हैं और सांप पालकर वो किस तरह का प्रॉफिट कमाते हैं, साथ ही सांप पालने का आइडिया उन्हें कहां से आया और सांप पालने के दौरान उन्हें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए समय समय पर लाते रहें। कहां पाला जाता है सांपों को? दोस्तों आज हम जिस सांप पालन की बात कर रहे हैं वो दरअसल चीन में की जाती है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन में एक गांव है जिसका नाम है जिसिकियाओ। यहीं पर लोग सांप पालने का काम करते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये बताया गया कि इस गांव में लगभग हर दूसरा व्यक्ति सांप पालन से जुड़ा हुआ है। सांप पालन से अब तक इस गांव के लोग करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण ये इस काम के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों जिसिकियाओ गांव स्नेक फार्मिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। बता दें कि इस गांव की आबादी लगभग 1000 के आसपास की है, और जहां एक ओर कोई भी आम इंसान सांप को देखकर डर जाता है, वहीं इस गांव के लोग सांपों के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो सांप नहीं कोई खिलौना हो। दोस्तों इस काम से जुड़े कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस गांव में अधिकतर लोग स्नेक फार्मिंग से ही जुड़कर पैसे कमा रहे हैं। आखिर क्यों पालते हैं सांप? दोस्तों आपने ये तो जान लिया कि स्नेक फार्मिंग कहाँ होती है, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर स्नेक फार्मिंग की ही क्यों जाती है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि चीन में अब भी ज्यादातर जगहों पर किसी भी बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों से ही किया जाता है, और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सांपों से कई तरह की जड़ी बूटी बनाई जाती है। जी हाँ, सांपों के जहर से लेकर सांपों की त्वचा तक का इस्तेमाल जड़ी बूटियों को बनाने के लिए किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्नेक फार्मिंग के जरिए ही कैंसर के इलाज के लिए भी जड़ी बूटी बनाई जाती है। कैंसर के इलाज के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल कर उसकी दवाई तैयार की जाती है। दोस्तों कैंसर के इलाज के अलावा दिल के मरीजों का भी सांपों से बनाई गई जड़ी बूटी से उपचार किया जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी खुलासा किया गया है कि सांपों से तैयार हुई दवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर शराब का असर नहीं होता है। बता दें कि साल 1918 में चीन में स्पेनिश फ्लू फैल गई थी, और उस वक्त भी सांप के टेल से ही स्पेनिश फ्लू के चपेट में आए लोगों का इलाज किया गया था। लाखों की तादाद में पालते हैं सांप। दोस्तों अपने जाना कि जिसिकियाओ में स्नेक फार्मिंग क्यों की जाती है। बता दें कि चीन में हजारों सालों से परंपरागत चिकित्सा को काफी महत्व दिया जाता है, और इसी कारण यहाँ स्नेक फार्मिंग मुख्य रूप से की जाती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिसिकियाओ में लगभग 170 परिवार है, और ये 170 परिवार हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की पैदावार करते हैं। कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग लाखों की तादाद में सांपों में लगभग सभी नस्ल के सांप होते हैं। सांपों को पालने के लिए स्नेक फार्मिंग से जुड़े लोग सांपों के लिए बगीचा तैयार करते हैं। इन बगीचों में पेड़ों की डालियों पर सांप लिपटे हुए पाए जाते हैं। दोस्तों स्नेक फार्मिंग में कई जहरीले सांपों को भी पाला जाता है, और इन जहरीले सांपों को पालने के दौरान इससे बचने के लिए भी काफी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी इस गांव में अब तक कई ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिनमें सांपों द्वारा इन्हें डसा जा चुका है। कियों की तो मौत भी हो चुकी है, और जबकि अब तक कई लोग बुरी तरह से सांपों के काटने के कारण बीमार भी हो चुके हैं,
हालांकि इसके बावजूद भी स्नेक फार्मिंग का काम लगातार जारी है और लगातार सांपों से जड़ी बूटियां को बनाया जा रहा है। कैसे हुई स्नेक फार्मिंग की शुरुआत? दोस्तों, ये पता करने पर कि आखिर स्नेक फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे भारी संख्या में लोग इस काम से जुड़े, तो ये पता चला कि सबसे पहले स्नेक फार्मिंग की शुरुआत जिसिकियाओ के निवासी योंग हानसोंग ने की थी। और जब योंग हानसोंग से ये पूछा गया कि उन्होंने स्नेक फार्मिंग जैसे चैलेंजिंग काम का चयन क्यों किया, तो उन्होंने ये बताया कि वो अपने युवावस्था में एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और अपनी उस गंभीर बीमारी का कई तरह से इलाज कर तक भी चुके थे। उन्होंने ये भी मान लिया था कि अब उस बीमारी से उन्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन था कि इस बीमारी का इलाज किसी न किसी तरीके से किया ही जा सकता है। और इसी कड़ी में उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने जंगली सांपों को पकड़ना शुरू कर दिया। सांपों के जहर से बनी दवाई से उनकी गंभीर बीमारी का इलाज हो गया और यही से उन्हें स्नेक फार्मिंग का आइडिया मिला। बता दें कि योंग हानसोंग द्वारा शुरू की गई स्नेक फार्मिंग को आगे चलकर धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इस गांव में स्नेक फार्मिंग मुख्य पेशा बन गई। स्नेक फार्मिंग से कितनी होती है कमाई दोस्तों? ये तो पता चल गया कि स्नेक फार्मिंग चीन में की जाती है और स्नेक फार्मिंग के दौरान काफी एहतियात भी बरती जाती है। लेकिन चलिए अब ये जानते हैं कि स्नेक फार्मिंग से कितना प्रॉफिट कमाया जाता है, जिसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगाए रहते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सांपों से ज्यादातर कमाई इनके जहर से होती है। बता दें कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सांपों का जहर लगभग 3.5 करोड़ प्रति लीटर तक बिकता है। जी हाँ, 3.5 करोड़ रुपए प्रति लीटर सांप का जहर। इसके अलावा सांपों की त्वचा और सांपों के मीट से भी एक अच्छी खासी कमाई की जाती है। सांप पालने के दौरान जब ये पता चल जाता है कि अब सांपों से जहर निकालना है, तब फार्म से सांपों को बूछड़खाने ले जाया जाता है और वहां सांपों का जहर निकालकर तुरंत ही उनका सिर काट दिया जाता है। बाद में सांपों का मीट और उनकी त्वचा को अलग कर दिया जाता है। इनकी त्वचा को धूप में सुखाकर बैग, बेल्ट, पर्स और दवाइयां आदि बनाई जाती है। वहीं उनके मीट को सीधे तौर पर बाजार में ले जाकर बेचा जाता है। सांपों की त्वचा और मीट से भी लाखों की कमाई होती है। और आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन में लगभग हर तरह के जीवों का मीट खाया जाता है। बता दें कि चीन में मुख्य रूप से मेंढक, ऑक्टोपस और सांप का मीट ज्यादातर लोग खाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों लोग स्नेक फार्मिंग जैसे जोखिम भरे काम का चयन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने स्नेक फार्मिंग से जुड़ी हर तरह की जानकारी प्राप्त की। लेकिन एक खबर ये भी है कि चीन में स्नेक फार्मिंग को पिछले कुछ समय से बैन कर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान चीन को कोरोना फैलाने के लिए एक वैश्विक दबाव झेलना पड़ा था और इसी को ध्यान में रखकर चीनी सरकार ने जीवों से जुड़ी ज्यादातर फार्मिंग पर बैन लगा रखी है। बता दें कि स्नेक फार्मिंग पर बैन लगने के बाद से इस गांव के लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। गांव के कई लोगों का ये कहना है कि वो पूरी तरह से स्नेक फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे और ऐसे में स्नेक फार्मिंग पर बैन लगने से उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से ठप है। हालांकि दूसरी ओर चीनी सरकार भी इनकी रोजी रोटी के लिए जरूरी इंतजाम में जुटी हुई है। अब देखना ये है कि सरकार स्नेक फार्मिंग की जगह इन लोगों के लिए कौन से रोजगार का इंतजाम करती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्नेक फार्मिंग महज जड़ी बूटियां के लिहाज से सही है या फिर स्नेक फार्मिंग के जरिए सांपों के साथ एक अनुचित व्यवहार किया जाता है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।